फ्रेंड्स फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 मे मंथ का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट था वो पूरी तरह से प्रोवाइड कर दिया। 1904.5.3031 KB5026435 इसी बिल नंबर के साथ। तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 मे मंथ का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट दिया इसके साथ साथ कुछ फीचर्स भी प्रोवाइड कर दिया। पहले माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 22H2 के लिए एक अपडेट को प्रोवाइड किया था 1904.5.3030 इसी बिल नंबर के साथ। अभी यहाँ पर दिया 1904.5.3031, ये दोनों में ज्यादा डिफाइन नहीं है, मगर यहाँ पर कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा करके माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया इसी बिल नंबर के साथ। अगर आप अभी तक विंडोज 10 का 20H2 21H2 इसी बिल नंबर से विंडोज 10 को यूज कर रहे हो ना, तो ये सिक्योरिटी पैच नया अपडेट आपको नहीं मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरह से कॉन्फर्म कर दिया, ये सिर्फ विंडोज 10 का 22H2 इसी बिल नंबर के साथ ये अपडेट आपको मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरह से कॉन्फर्म कर दिया, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, सिर्फ विंडोज 10 का 22H2 इसी वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड करेगा। तो इस अपडेट को आपको इंस्टॉल कैसे करना है और क्या कुछ फीचर्स मिलेगा, चलो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं मेरा विंडोज 10 डेस्कटॉप में आ गया। पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कौन सा वर्जन को मैं यूज कर रहा हूँ। दिस पीसी प्रॉपर्टीज में जाके मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। पहले अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले देखो यहाँ पर 1904.5.3030 पहले ये अपडेट को मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। देखो यहाँ पर 3030 अभी आएगा 3031 इसी वर्जन में। तो इसको देखो यहाँ पर मैं मेरा पीसी आप देख सकते हो i5 थर्ड जनरेशन का है। तो यहाँ पर मैं इसको सेटिंग में जाके मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। सेकंड सेटिंग में जाके अपडेट सेशन में जाके मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये अपडेट पूरी तरह से आ गया क्योंकि मैं यहाँ पर विंडोज 10 का रिलीज प्रीव्यू चैनल को यूज़ कर रहा हूँ। अपडेट को मैं क्लिक किया, उसके बाद देखो यहाँ पर अपडेट आ गया। देखो यहाँ पर KB5026435 देखो यहाँ पर ये अपडेट पूरी तरह से आ गया। इस अपडेट डाउनलोड और इंस्टॉल होने के लिए कुछ टाइम लेगा, मैं यहाँ पर भी बहुत फास्ट कर दिया वीडियो को, अभी यहाँ पर देख सकते हो। उसके साथ अभी रजिस्टर बोल रहा है, मेरा पीसी पूरी तरह से रजिस्टर होगा। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ रजिस्टर पे, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर बोलता हूँ इस अपडेट के साथ क्या कुछ नेक्स्ट एक्स्ट्रा फीचर्स आया। मैं यहाँ पर मेरा पीसी को रजिस्टर कर दिया, अभी देखो यहाँ पर मेरा पीसी को रजिस्टर या ऑन कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर देखा तो कौन सा वर्जन अभी हो गया। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर दिस पीसी में प्रॉपर्टीज में जाके मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। दिस पीसी प्रॉपर्टीज में अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 1904.5.3031 लेटेस्ट जो है ए अपडेट आ गया। 3031 पहले था 3030 अभी 3031। तो उसके बाद मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ ये अपडेट। देखो यहाँ पर अपडेट हो गया, सेटिंग सेशन में जाके मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। अपडेट सिक्योरिटी में जाके मैं यहाँ पर अपडेट हिस्ट्री में जाके दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर फीचर्स अपडेट, यहाँ पर मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप KB5026435 ये अपडेट पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया मेरे पीसी में। तो इस अपडेट के साथ क्या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। अगर आप विंडोज 10 पे अभी यहाँ पर देखो सर्च ऑप्शन में अगर नॉर्मल सर्च ऑप्शन में यहाँ पर आइकॉन में क्लिक करते हो तो ऐसे करके आ जाएगा। देखो यहाँ पर आइकॉन में क्लिक करने के साथ ऐसे करके आ जाएगा, मगर यहाँ पर दिखाता हूँ अगर ये सर्च ऑप्शन में यहाँ पर इस प्लेस में अगर क्लिक करते हो तो ऐसे करके आ जाएगा। देखो यहाँ पर टॉप ऐप्स, बहुत सारे ऐप्स आप पा सकते हो, दिस पीसी फाइल एक्सप्लोरर सेटिंग ऐप्स आप यहाँ पर से पा सकते हो, मगर नॉर्मली आप पा सकते हो, मगर यहाँ पर ऐसे करके दिस पीसी आप ये सारा कुछ नहीं पा सकते हो। दिस पीसी फाइल एक्सप्लोरर सारा कुछ ऑटोमेटिक आ गया। देखो यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर दिखने का कोशिश करते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया में कॉल रिमाइंडर अलार्म, ये तीनों आप यहाँ पर पा सकते हो। विंडोज 10 का जो नोटिफिकेशन एरिया है यहाँ पर आप आसानी से पा सकते हो ये अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। अगर आप विंडोज 10 का माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में जाके वहाँ पर एक्सेस करते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर को वहाँ पर सेट करने के बाद वहाँ पर नेट आप ऑन करते हो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर से, अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर को आप ओपन करने का कोशिश करते हो तो पहले यहाँ पर बहुत सारा कुछ इशू आ रहा था तो ये ओपन ही नहीं हो रहा था। तो अभी से आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर से इंटरनेट एक्सप्लोरर को आसानी से आप ओपन कर सकते हो। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो माइक्रोसॉफ्ट ने इंप्रूव किया विंडोज 10 पे वो है मल्टी फंक्शन प्रिंटर इंस्टॉलेशन। अगर आप विंडोज 10 पीसी में मल्टी फंक्शन प्रिंटर को इंस्टॉल करना चाहते हो तो वहाँ पर एक दो फंक्शन इंस्टॉल होता है, उसके बाद वहाँ पर इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था। बहुत सारा इशू आ रहा था मल्टी फंक्शन प्रिंटर को इंस्टॉल करने में विंडोज 10 पे कुछ पीसी के साथ, तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के साथ साथ। उसके साथ साथ विंडोज 10 पीसी में टच कीबोर्ड लेके बहुत सारा कुछ इशू आ रहा था, टच कीबोर्ड कुछ विंडोज 10 पीसी में ओपन ही नहीं हो रहा था। आपका टच कीबोर्ड में जो करंट लेआउट है उसी लेआउट में ओपन नहीं हो रहा था। उसके साथ साथ भी बहुत सारा इशू आ रहा था विंडोज 10 का टच कीबोर्ड लेके, तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के साथ साथ। सो फ्रेंड्स, आज से माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 मे मंथ का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट था इसको पूरी तरह से प्रोवाइड कर दिया। इसके साथ साथ बहुत सारा कुछ नया फीचर्स और फिक्सेस प्रोवाइड किया मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया। अगर आप विंडोज 10 का 22H2 वर्जन को यूज़ कर रहे हो ना तो इस अपडेट को आप पा सकते हो। सो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, आप दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपको कोई भी सवाल है इस वीडियो लेके तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडे तक के टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।